एक थे बापू एक थे लाल, दोनों ने कर दिया कमाल। जननी की खातिर तन मन धन अर्पण कर दिया अपना जीवन। आओ मिलकर दिया जलाएं, जन्मदिन उनका मनाएं। प्यारे बापू प्यारे शास्त्री जी, धन्य भाग हमारे जो आप इस धरती पर आए, जहां ऐसे कर्णधार हमने हैं पाए। एक ने बोला जय जवान जय किसान, दूसरे बोले रघुपति राघव राजा राम। दोनों की थी एक ही बोली, देश हमारा खेले मिलकर होली। जय बापू जय शास्त्री। एक फरिश्ता आया था जिसने ताकतवर दुश्मन को बिन हथियार हराया था। सत्य अहिंसा और शांति के बल पर जो लड़ता था, उस संत महात्मा को जमाना गांधी गांधी कहता था। तो जी हाँ, मैं उस शख्सियत के बारे में आज यहाँ दो शब्द कहने का हिम्मत कर पा रहा हूँ जिसे दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके बारे में यही कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास कर पाएंगे कि इस पृथ्वी पर कोई एक हाड़ बांस वाला ऐसा भी व्यक्ति पैदा हुआ था जिसने सत्य अहिंसा और सादगी के बल पर विशाल साम्राज्य जो संचालित करता था अंग्रेजों को, उनको हराया था। अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ फेंकना और विदेशी शासन से अंग्रेजों से मुक्त कराना जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, और इन लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए उन्होंने अपने ही विचारों पर शोध करना शुरू किया और उसे अपनी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के में उल्लेख किया था। 1919 में से लेकर 1948 तक उन्होंने बहुत सारे आंदोलन की अगुवाई किया था, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, दांडी मार्च हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो। लेकिन आज क्या स्थिति है कि हमें गांधी के विचार, उनके जो सिद्धांत है, वो कोरी कल्पना लगते हैं। हमें गांधी जी के चित्र वाले नोट तो पसंद हैं, लेकिन उनके सिद्धांत कोरी बकवास लगते हैं, और ऐसा लगता है जैसे उनका विरोध करने वालों को बाढ़ आ गया है। कोई भी बहती गंगा है, हाथ धो लीजिए। लेकिन क्या गांधी जी के विचार मर सकते हैं? वो कभी मरते नहीं हैं, वो आज भी जिंदा हैं और भविष्य में भी जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं था कि उनमें साधारण मनुष्य की तरह उनके में कोई बुराइयां नहीं थी, और बचपन में भी उनमें ऐसे बहुत सारे कुसंगति का असर पड़ा था जिसे उन्होंने अपने आत्मकथा में भी उल्लेख किया था। एक बार ऐसे ही क्लास का ऑब्जर्वेशन के लिए एक इंस्पेक्टर स्कूल आया हुआ था, उसने महात्मा गांधी
पूरे क्लास को एक वर्ड दिया था, इंग्लिश का वर्ड कैटल, और उसका स्पेलिंग लिखने के लिए बोला था। गांधी जी को नहीं आ रहा था, तो उनके क्लास टीचर ने उनको बार बार इशारा किया कि वो अपने सामने वाले छात्र से वो शब्द लिख लें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके जीवन पर श्रवण कुमार और सत्यवादी हरिश्चंद्र का गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रसंग हैं जो यह बताते थे कि वो एक साधारण मनुष्य ही थे, उनमें बहुत सारी बुराइयां थी। एक बार 25 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपने बड़े भाई के जो हाथ में कड़े थे सोने का, उसको बेच दिया था। वो भी 4-5 बार मांसाहार किए थे, और एक बार सपने में उनको उनके पेट से बकरे की आवाज़ सुनाई दिया था, तब से उन्होंने मांसाहार करना बंद कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि गलतियां सभी इंसान से होती हैं, लेकिन हम इन गलतियों से कैसे उबरते हैं सीखते हैं। जब वो विलायत में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो वहाँ भी उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। वो बड़े बड़े पार्टियों में नृत्य करने लगे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने इन बुराइयों के ऊपर उठे, और उन्होंने एक जो सिद्धांत, एक आदर्श बनाया, और जिसको उन्होंने जीवन पर्यंत फॉलो किया, ये असाधारण चीज ही उनको महान बनाती है। जैसे कि इससे पहले उनके हम जीवन परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं कि 2 अक्टूबर 1879 को उनका जन्म हुआ था। पहले वो उनकी जो इच्छा थी डॉक्टर बनने की थी, लेकिन उनका जो पेशा था दीवानगिरी था, इसलिए उनको वकील की पढ़ाई के लिए विलायत जाना पड़ा। और जब वो वापस आए, तो उन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत है वो बैरिस्टर के रूप में ही साउथ अफ्रीका के नेटाल से शुरू किए थे। वहाँ भी गए तो वो उनको रंग भेद का शिकार होना पड़ा था। 22 साल वहाँ उन्होंने संघर्ष किया था। एक बार जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो फर्स्ट क्लास केबिन का टिकट होने के बाद भी एक अंग्रेज ने, चूँकि वो इंडियन थे, उनको ब्लैक डॉग वहाँ कहा जाता था, उनके सामान के साथ उनको ट्रेन से प्लेटफॉर्म में उतार दिया था। तो भले ही वो गिरा था, वो करमचंद गांधी था, लेकिन जो ऊपर उठा वो महात्मा गांधी था। और 22 साल तक वहाँ संघर्ष करने के बाद, वहाँ भारतीयों को उनका अधिकार दिलाने के बाद, जब वापस वो इंडिया आए, तो उनके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा का आगमन भारत में हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उनको महात्मा से संबोधित किया था। यहाँ आते ही उन्होंने भारतीयों की दुर्दशा देखा, तो उसके बाद वो तुरंत इस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। बहुत सारे आंदोलन हुए थे, उनके बारे में मैं इतना विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन जब इन आंदोलनों के कारण अंग्रेज छोड़ करके भारत से गए, तो भी मतलब कह सकते हैं कि हमारे देश को आज़ादी आधी रात को मिला था। उस समय भी जो गांधी जी थे वो पश्चिम बंगाल में नोआखाली में थे, जहां हिंदू मुस्लिम में दंगे हो रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि आज़ादी शर्त हुई थी कि 2 राष्ट्र बने थे, भारत और पाकिस्तान, तो हिंदू मुस्लिम के बीच काफ़ी दंगे हुए थे। वो उन दंगों को शांत कराने के लिए गए हुए थे, और वो इस चीज़ के परम विरोधी थे कि 2 राष्ट्र बने। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के संस्थापक भी थे, और उनके कारण ही वो एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बन रहा था, उसका विरोध कर रहे थे। वो बोलते थे कि पाकिस्तान बनेगी भी तो मेरी लाश पर बनेगी। वो ये ऐसी आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जहां 2 अलग राष्ट्र बने, जहां हिंदू मुस्लिम यहीं आपस में लड़ते रहे, उस शर्त पर तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी के कारण ही आपको पता है कि 30 जनवरी 1948 को एक कट्टर हिंदूपंथी नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दिया था, 3 गोली मारा था, और वो राम राम कहते ही जमीन पर गिर पड़े थे। तो उनका जो प्रभाव था, उनका जो सिद्धांत था, उनका जो आदर्श था, पूरा विश्व पर उसका प्रभाव था। जब उनकी मृत्यु हुई, पूरा विश्व रोया था, सबके गले रुंध गए थे। लेकिन जो आदर्श सिद्धांत वो दे के गए थे, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, और मैं तो कहता हूँ कि वो आप ज़्यादा प्रासंगिक हैं, कि जिस सत्य अहिंसा और सत्याग्रह की बात करते थे। आज दुनिया परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल इसके ढेर पर बैठा हुआ है। कोई भी देश, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कहीं से भी यह लड़ाई अगर शुरू हो गई तो पूरा अर्थ नष्ट हो जाएगा।
इसलिए ज़्यादा प्रासंगिक है कि आज हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं, केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी। और अगर मैं बात करूँ दूसरे व्यक्तित्व की, लाल बहादुर शास्त्री जी की, क्योंकि दोनों का जन्मदिन आज ही है, तो उस महान व्यक्तित्व के हम इतने व्याख्या तो करते हैं, तो उसके साथ साथ जो दूसरा व्यक्तित्व है यह भी उससे कोई कम नहीं है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सादगी के प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी हाइट तो कम थी लेकिन उनका व्यक्तित्व उतना ही बड़ा विशाल था। जिस समय उसको देश का बागडोर मिला हुआ था, देश सूखा का सामना करना पड़ रहा था, ऊपर से पाकिस्तान ने अटैक भी कर दिया था 1965 के आसपास, तब उनको देश के कमान मिला हुआ था। उन्होंने पूरे देशवासियों को आह्वान किया था और एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि सूखा से उस समय भुखमरी की स्थिति बन गई थी, तो देश को भूख से बचाने के लिए उन्होंने किसानों का आह्वान किया था, और ऊपर से आक्रमण हुए थे तो जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए ही उनका यह जो नारा है, जो आज भी हम बड़े गर्व के साथ बोलते हैं, जय जवान जय किसान। उनके भी जीवन में बहुत सारे प्रसंग हैं जिनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बचपन में वो भी ऐसे ही बहुत अमीर घर के नहीं थे बच्चे, गरीब घर से ही थे, उनको पढ़ाई के लिए नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था, और उनके शादी के बहुत सारे किस्से हैं। वो फटे हुए कपड़े पहनते थे, कपड़ा अगर यूज हो गया तो बाद में उसी का रुमाल बना लेते थे, और जब ट्रेन में भी वो थर्ड क्लास जो बोगी है उसमें सफ़र करते थे, और उनको बहुत सारे जिम्मेदारियाँ जो दिया गया था, उसको बहुत ही ईमानदारी, जो कहा जाए सच्चा ईमानदार, अगर महात्मा गांधी आज जिंदा होते और अगर वो प्रधानमंत्री होते तो वो किस रूप में होते, तो निश्चित ही लाल बहादुर शास्त्री के ही रूप में होते। तो दोनों महान व्यक्तित्व निश्चित ही हम लोग के लिए आदर्श हैं, उनके अगर पद चिन्हों पर अगर हम उनका 10% भी अपने ऊपर लागू कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि उनके सिद्धांतों पर चलने का, उनके आदर्शों को अपनाने का। आप सभी को सुप्रभात, मैं आयुषी सरयाम कक्षा 6वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष गांधी जयंती के शुभ अवसर पर उनकी जीवनी पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, हालांकि ये राष्ट्रपिता गांधी जी और बापू के नाम से भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। पूरे भारत देश में बापू के जन्म दिवस को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, जबकि पूरे विश्व में इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के पिता राजकोट दरबार में दीवान थे और माँ एक कुशल गृहिणी थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए रंग भेद की नीति का घोर विरोध अहिंसात्मक तरीके से किया और इसे सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह आंदोलन की उनकी नीति रंग लाई और वहाँ रह रहे भारतीयों को वहाँ की मंच पर आकर हमारे आदरणीय पटेल सर ने गांधी जी के सिद्धांत को और शास्त्री जी के सिद्धांत को आपके सामने रखा, और ऐसे मौके पर जब आप कोई विचार सुनते हैं, कोई जयंती मनाते हैं, तो एक प्रण भी लेना चाहिए। जैसे गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे, अगर किसी को गाली देते हैं या किसी के सामने गाली को उच्चारण करते हैं, वो भी एक प्रकार का अहिंसा है। अगर आप प्रण कर पाए और पूरी तरह से छोड़ तो नहीं पाएंगे क्योंकि गाली आपसे चिपका हुआ है, लेकिन अगर कम कर दें बोलना तो भी आपके लिए अच्छी उपलब्धि होगी। जो लड़का था उस संत महात्मा को जमाना गांधी गांधी।